गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। नाउ द टुडेज टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंट्रोडक्शन। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वाइडली यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। मतलब हीटिंग का हम जो यूज़ करते हैं वो हम हमारे डेली यूज़ में करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। द इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, टोस्टर, हीटर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि आप आपके किचन में एक टोस्टर यूज़ करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हीटर का यूज़ किया जाता है, प्रेस करने के लिए आयरन की जाती है, इलेक्ट्रिक आयरन से आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो उन सब ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। क्लियर। आर यूज्ड आर एज अल्टरनेटिव्स टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कुकिंग एंड लॉन्ड्री। मतलब मोस्टली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कुकिंग में और लॉन्ड्री में किया जाता है। द सेम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स विच इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल लैम्प। दिस डिवाइसेस हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ओवर द ईयर्स। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए अब हम बताएंगे कि इसका डेफिनेटली यूज्ड कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन, मैंने अभी नाम लिया था इलेक्ट्रिक आयरन, कहाँ यूज़ करते हैं, हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। सेकेंड है इलेक्ट्रिक हीटर, डेफिनेटली ठंड के दिनों में रूम को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ किया जाता है, ताकि रूम का टेम्परेचर क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। मतलब ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक केटल, आपने देखा होगा केटल का, इट मीन्स इसमें पानी को गर्म किया जा सकता है या फिर दूध को गर्म किया जा सकता है, या आप चाहो तो चाय भी बना सकते हो, यहाँ पे कॉफ़ी बना सकते हो। मतलब इस इलेक्ट्रिक केटल को आप जब आप एक मतलब एक घूमने जाते हैं या फिर ट्रेन में सफ़र करते हो, तब इस इलेक्ट्रिक केटल का भी यूज़ कर सकते हो। इसको लाने ले जाने में बहुत इजी होता है, क्योंकि इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक की सहायता से ही चलाया जा सकता है। हेयर ड्रायर मोस्टली सबके घर में होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक पावर और टाइम से। तो जो पावर और टाइम है वो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस प्रोडक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ये उसका क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी का। व्हाट आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कभी आपने सोचा इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या हो गई। तो देखिए इट इज़ मेजर इन वॉट, सेकेंड और जूल। या तो हम देखो कैसी भी एनर्जी हो, सबसे पहले अपने माइंड में सेट करना है, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक हो, साउंड हो, मैकेनिकल हो, काइनेटिक हो, कैसी भी एनर्जी हो, अगर वो एनर्जी है तो डेफिनेटली उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। अगर आपको प्रॉपर उसको यूनिट का नाम नहीं पता हो तो आप केवल जूल भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। टाइम को काई में मेज़र किया जाता है, सेकेंड। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली वॉट और सेकेंड भी आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, तो ये क्या हो गई उसकी यूनिट। अगर आपको ये यूनिट याद न हो प्रॉपर वे में तो आप एनर्जी देख के उसकी डेफिनेटली यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कंडक्टर के थ्रू, लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर।
द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डेफिनेशन क्या हो गई इसका? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम्स एंड प्रोड्यूस हीट. मतलब थोड़े समय के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या प्रोवाइड की जाती है? हीट प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. और उसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तब वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव. क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव. यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है. इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं. मतलब विद्युत धारा में क्या होता है? ऊर्जा को काय में कन्वर्ट किया जाता है? ऊष्मा में. राइट. ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? शक्ति इंटू समय. राइट. अब ऊर्जा को किससे डिनोट कर रहे हैं? देखिए, एक फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू P इंटू टी. शक्ति मतलब पावर, समय मतलब टाइम. तो इसको इंग्लिश वर्जन में अगर हमें लिखना है तो H इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? P इंटू टी. ये हो गया क्लियर. लेकिन P बराबर कितना होता है? V इंटू आई. तो इस P के प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे? H बराबर V इंटू आई इंटू में क्या आ जाएगा? T. क्लियर. साथ में V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई आर. तो I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, जिसमें H क्या है? ऊष्मा ऊर्जा. मतलब ऊष्मा ऊर्जा क्या हो गई? उत्पन्न ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी. ये तीनों ही किसके फॉर्मूले हैं? ऊर्जा के. राइट. एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल है अ बल्ब बिकम्स हॉट आफ्टर इट्स यूज फॉर सम टाइम. आपने कभी देखा होगा कि जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, मतलब बल्ब चालू करते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो बल्ब क्या हो जाता है? गर्म. सपोज आपने एक घंटा बल्ब को चालू रखा है रूम में. क्लियर. जब आप उस बल्ब को हाथ लगाएंगे या टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बल्ब क्या हो गया? गर्म. क्यों गर्म हो गया? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. राइट. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मतलब ये उसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया है. तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अ बल्ब बिकम्स हॉट आफ्टर इट्स यूज फॉर सम टाइम. मतलब कुछ समय उपयोग करने के बाद वो बल्ब क्या हो जाता है? गर्म. दिस इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये किसके कारण होता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है. मतलब एक एग्जाम्पल देना है. राइट. नाउ द एग्जाम्पल नंबर टू. वेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन इट बिकम्स हॉट. प्रेस को जैसे ही आप वायर को अटैच करते हो और उसका स्विच ऑन करते हैं तो थोड़े समय के बाद वो प्रेस क्या हो जाती है? गर्म. गर्म होगी तभी तो अपन कपड़ों को आयरन करेंगे. राइट. तो वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक. मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होने रखता है जिसके कारण वो प्रेस क्या हो जाती? गर्म हो जाती है. तो यही उस किसका एग्जाम्पल होता है. क्यों? क्या रीज़न है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होती है. राइट. तो हम बोल सकते हैं व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन इट बिकम्स हॉट. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वॉट इज द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से. राइट. तो इसका बेसिक फॉर्मूला है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी. क्लियर. वाई डू सम इलेक्ट्रिक एप्लायंस गेट हीटेड अप मोर? लाइट
इलेक्ट्रिक आयरन वाइल अदर गेट हीटेड अप लेस लाइक टीवी, मतलब हीट के द्वारा कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते कुछ कम होते। तो ज़्यादा गर्म में हम कौन सा नाम ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब प्रेस को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी, मतलब कुछ सेकंड में वो प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, राइट। लेकिन टीवी को आप 4 घंटे भी चालू रखो और उसकी स्क्रीन को या पीछे की साइड अगर आप हल्का सा टच करते हैं तो वो हल्की हल्की हीट प्रोवाइड होती, मतलब हल्का हल्का गर्म होता है। तो ये दोनों हीटिंग इफ़ेक्ट के ही एग्जांपल है, बट कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और कुछ कम, राइट। इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ हीटिंग एलिमेंट लाइक हाई रेजिस्टेंस वायर विच हेल्प इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीटिंग हीट एनर्जी। तो वो ज़्यादा गर्म क्यों होता है? देखो, क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज़ किया जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज़ करने का मेन मोटो ये होता है कि जब हम हाई रेजिस्टेंस वाला वायर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हीट को काय में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, राइट। हिंदी में हो जाएगा जूल का विद्युत तापन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब जूल का तापन नियम क्या हो जाएगा? सबसे पहला नियम है इसका, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सेकंड क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के समानुपाती होती है, मतलब जो ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होगी? प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और तीसरा है विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है। अभी एक फॉर्मूला बताया था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो सबसे पहला नियम क्या है हमारे पास? किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये देखो, H हमेशा तीनों के बराबर है, तो ये किसके? देखो, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, क्लियर। मतलब वर्ग के क्या हो गई? समानुपाती, मतलब आई स्क्वायर, क्लियर। सेकेंड फॉर्म सेंटेंस क्या है हमारे पास? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध इसमें क्या है? कैपिटल आर, राइट। रेजिस्टेंस होता है, राइट। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये रेजिस्टेंस है, एंड टाइम मतलब समय। थर्ड हमारा सेंटेंस हो गया, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। मतलब ये क्या है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। मतलब H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। ये किसका फॉर्मूला है? जूल का विद्युत धारा का तापन नियम भी इसे कहते हैं। तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय। मतलब हीटर आपने देखा होगा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, प्रेस बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब ये वांछनीय होता है। परंतु आपने देखा होगा कंप्यूटर मोबाइल को आप 4 घंटे यूज़ कर लो या बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद हल्का हल्का सा गर्म होता है, इसलिए ये अवांछनीय होता है। सेकेंड, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे ही आप बल्ब को ऑन करते हैं तो डेफिनेटली ऊष्मा निकलती, जिसके कारण वो गर्म तो होता है लेकिन बची हुई जो ऊर्जा रहती वो काय में प्रोवाइड हो जाती है, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु, मतलब जो बनाने वाला जो आसपास का वो रहता है ऑब्जेक्ट का कवर, वो तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि मतलब जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सा धातु यूज़ किया जाता है? टंगस्टन यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसका रीज़न, यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। मतलब अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस धातु को। सेकेंड है, इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर ही गलता है। अगर कम टेम्परेचर हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द थर्ड, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से
अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। मतलब बल्बों में अगर हम देखें तो कौन सी गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु इट मीन्स विद्युत जो बल्ब है, जब हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो बल्ब 1 साल, 1.5 साल, 10 महीने, मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज़ किया जाता है। तो यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि उसमें जो गैस यूज़ की जा रही है, वो गैस कौन सी यूज़ करते हैं उसमें, नाइट्रोजन और ऑर्गन, वो गलनांक उसका उच्च क्वालिटी का होता है, साथ में वो उच्च तापमान पर ही उपचयित नहीं होता, मतलब उसका तापमान काफ़ी उच्च होता है, राइट। तो ये था जूल का विद्युत तापीय नियम। थैंक यू। तो आज इस टॉपिक में हमने देखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने उसकी डेफिनेशंस देखी, एप्लीकेशंस देखे, मतलब उसके यूजेस क्या क्या है, उसके बेसिक फॉर्मूले रीड करे, उसके एग्जांपल्स के बारे में हमने रीड किया। थैंक यू।